अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रिदा, अपना शो तलका के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आपको पता है सर्दियों का भी आगाज़ हो चुका है, और जब सर्दी आती है तो मुख्तलिफ़ किस्म के मीठे आ जाते हैं जो कहीं आप बाज़ारों में भी देख लेते हैं, घर में भी बन रहे होते हैं। असल में होता ही कि सर्दी का मौसम में ना हर खाना बड़ा मतलब शौक से खाया जाता है, और सबसे अच्छी बात है कि वो हज़म भी हो जाता है, और उससे अच्छी बात ये होती है कि हम लोग अपना जो वेट है वो पुट ऑन कर लेते हैं। ये थोड़ी सी ज़रा सी बुरी बात होती है, लेकिन अच्छी बात इसलिए कह रही हूँ कि जो लोग दुबले पतले हैं सूखे से, जो लोग चाहते हैं कि हम लोग ज़रा सा अच्छा सा अपना वेट पुट ऑन कर लें और थोड़े से जो ड्रेसेस पहने वो अच्छे लगें, तो उनके लिए भी अच्छा है। तो आज क्या बन रहा है ये मैं आपको बताती हूँ। एक तो हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सा कश्मीरी गजरेला बन रहा है, ज़बरदस्त सा खूब नट्स के साथ, और इसके साथ हम बना रहे हैं कबाब करी, वो भी कश्मीरी स्टाइल में। तो ये दो रेसिपीज़ हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही मज़ेदार सी डिफरेंट सी रेसिपी है। और जैसे मैंने कहा था गजरेले का, गजरेला लाहौर साइड पर भी बहुत बनता है, वहाँ पर भी बहुत खाया जाता है, और ख़ास तौर पर वो क्या होता है कि ये ठंडा करके खूब खाया जाता है, और गाजर का हलवा ये होता है वो गर्म गर्म खाया जाता है। तो इसकी खूबी ये होती है कि ठंडा खाया जाता है, और जब ये सर्दी के मौसम में आता है ना तो उस टाइम पर ऊपर बलाई वगैरह डाल के हो क्या मजा आता है सुबह नाश्ते के टाइम पे। चले जी, आप लोग भी जरूर बनाएगा, इंग्रेडिएंट्स के नोट कीजिएगा और ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने किचन की तरफ, और ये जो आज के इंग्रेडिएंट्स है ये मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप भी इसको बनाएं। थोड़ा सा इसका टाइम जरूर लगता है इसको बनाने में, तो खैर कभी कभी मेहनत जरूर करनी चाहिए अपने खाने के लिए। तो हम जो बना रहे हैं जबरदस्त सा कश्मीरी गजरेला, इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा। आधा किलो हमें गाजर चाहिए कद्दूकश की हुई, और दूध चाहिए एक लीटर के जितना, कंडेंस मिल्क एक पूरा टिन चाहिए, खोया एक कप, और ताज़ी बलाई जो फ्रेश बलाई होती है वो एक कप चाहिए होती है, दूध की बलाई जो है। उबले हुए चावल एक कप चाहिए, बारीक कटे हुए बादाम चाहिए 50 ग्राम, चीनी आधा कप के जितनी, इसके साथ केवड़ा एक खाने का चम्मच, इलायची चौथाई चाय का चम्मच, और पिसी हुई बादाम चाहिए 4 खाने के चम्मच। तो ये है इंग्रेडिएंट जो हम बना रहे हैं कश्मीरी गजरेला। इसके अंदर आप मजीद वॉलनट डाल सकते हैं और जो पिस्ते डाल सकते हैं, जो जो आपको पसंद है वो चीज़ें डाल सकते हैं। खैर मैंने तो यहाँ पर इस वक्त ये जो दूध रख दिया है 1 लीटर पकने के लिए, ठीक है। इसके अंदर क्या जाएगा, इसके अंदर जाएगी ये आधा किलो की जितनी गाजर, इसको मैंने कद्दूकश करके रखा हुआ है, ये हम आधा किलो इसमें गाजर डाल देंगे, ठीक है। आधा किलो गाजर, इसमें ज़रा चावल होते हैं, ठीक है, ये आधा किलो गाजर इसमें जाएगी, और इसको हम क्या करेंगे इस तरह से पकने के लिए रख देंगे। अच्छा, ज़्यादा ये टाइम नहीं लगता, जल्दी ही बन जाता है, लेकिन ये है कि थोड़ा गाजर के हलवे में थोड़ी ज़्यादा मेहनत होती है, इसमें कम मेहनत होती है। तो इसके अंदर मैंने डाल दी है आधा किलो गाजर, ठीक है, और इसके अंदर जाएगा 1 कप चावल। चावल को उबाल के हल्का सा आपने मैश कर लेना है, या बेशक ब्लेंडर में डाल दीजिएगा और चावल इसमें डाल दीजिएगा। ये दोनों चीज़ें डाल के हम इसको स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। जब देखेंगे ये गाढ़ा हो गया, गाजर भी गल गई, तो फिर इसके अंदर चीनी जाएगी, बादाम जाएंगे, और साथ में इसके अंदर चला जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं पता है क्या करूँगी, इसमें निकाल कर हल्का सा, आप जिस ज़्यादा चावल को आप जब रखेंगे तो वो जम जाते हैं, तो इसका तरीक़ेकार मैं आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना है, इसको इस तरह से दूध ले लीजिएगा या फिर आप पानी ले लीजिएगा, ठीक है, इसके अंदर इसको अच्छी तरह से घोल लीजिएगा ताकि ये जो गुठलियाँ हैं ना ये ख़त्म हो जाए। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी या फिर दूध ताकि गुठलियाँ ना रहें। अच्छा जी, ये अब आपने इसको इस तरह से करना है, ये अभी साबुत एक जगह जमा हुआ नहीं रहेगा, ये देख लीजिएगा, अब ये चला जाएगा इसके अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बस इसको स्लो फ्लेम पे इतना पकाना है हमने कि ये बिल्कुल जिस तरह से गाढ़ा सा आपने देखा होगा कि हलवा या फिर खीर टाइप का बन जाता है, उस तरह से बन जाएगा। तो अब इसको छोड़ देते हैं हल्की आग पे पकता रहे, जब तक ये पकता रहेगा और गाढ़ा होगा, फिर मेरे पास है ये कंडेंस मिल्क, एक पूरा टिन हमने कंडेंस मिल्क का रखा है, आधा कप चीनी रखी है, इसके साथ इलायची पाउडर है, बादाम है, खोया है, तो खूब मतलब रिच वाला आप इसको कह सकते हैं, क्लासिक गजरेला भी कह सकते हैं, कश्मीरी गजरेला भी कह सकते हैं। आपको पता है कश्मीर साइड पर जो खाने होते हैं, आपको पता है उनमें ज़रा सा इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है, हर चीज़ में बादाम पिस्ते डल रहे हैं, खूब नट्स वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो बड़े रिच खाने होते हैं उनके। अच्छा जी, इन चीज़ों को तो फिलहाल मैं यहाँ पे रखती हूँ जब तक कि ये अच्छी तरह से इसमें थिकनेस ना आ जाए। बाकी इन्ग्रीडियंट्स मैं इसमें नहीं डालूँगी, चीनी, कंडेंस मिल्क, खोया, बादाम, और ये तो आधा किलो की जितनी गाजरें और 1 कप उबले हुए चावल, ये चले जाते हैं यहाँ पर, और वो चले जाते हैं पकने के लिए।
ठीक है जी, अब आगे हम जो सेकंड रेसिपी की तरफ आएंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फिलहाल तो इसका थोड़ा सा इंतजार करती हूँ ताकि इसके अंदर बॉयल आ जाए, तो आपको प्रॉपर तरीके से इसका बता दूंगी किस तरह से हम बना रहे हैं कश्मीरी के जिला। अच्छा, इलायची को मैंने पीस के रखा है पाउडर फॉर्म में, इलायची की हुई ये हम डाल देंगे। आप क्वार्टर टी स्पून ले लीजिएगा, इसलिए कि ऑलरेडी हम इसमें डाल रहे हैं केवड़ा भी डाल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जब खुशबू होती है ना वो खाने भी नहीं अच्छे लगते हैं। तो इलायची हम आधी चाय का चम्मच डालेंगे ताकि इलायची का भी फ्लेवर आए और केवड़े का भी फ्लेवर आए। तो ये दोनों चीज़ें मेरे पास यहाँ रखी हुई हैं। अच्छा, केवड़ा जो इस्तेमाल करें वो लिक्विड वाला, पानी वाला है, तो वो एक खाने का चम्मच डलेगा। अगर आप वो एसेंस डाल रहे हैं तो फिर आप चंद कतरे डाल दीजिएगा, तो उसमें भी बड़ा तेज़ इसका स्ट्रॉन्ग सा एक फ्लेवर आ जाता है। अच्छा, ये देखिएगा, ये अब इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो गया है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी, ये मेरे पास है इलायची पाउडर, ठीक है, ये हम डाल देंगे। गाजर तो आपको पता है वैसे ही जलती ही तकरीबन वो हो जाती है, गल जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर ये थोड़ा सा ये अब उबाल इसमें आया, ये देखें इस तरह से। अच्छा, मैंने जो दूध लिया है वो लिया है टेट्रा पैक वाला, पैकेट वाला, ठीक है। आपने जब जो फ्रेश मिल्क लेना है तो आप उसको 1.5 लीटर ले लीजिएगा, थोड़ा सा आपको पता है वो थोड़ा सा उसमें पतला होता है। अच्छा जी, अब चावल तो अक्सर ये होता है कि हम इस वजह से नहीं चीनी डालते कि वो जो चावल जो है वो क्या होता है कि फिर वो गलते नहीं है। तो जब मेरे पास चावल ऑलरेडी गले हुए हैं तो अब मैं इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी डाल दूंगी। ये जाएगी आधा कप की जितनी चीनी, ठीक है, इसके साथ 1 टिन कंडेंस मिल्क का। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी, अभी मैं दोबारा इसको चला दूंगी, ठीक है। कंडेंस मिल्क, चीनी, दोबारा से इसकी फ्लेम ऑन करेंगे, थोड़ा सा स्लो ही रहने थी, बीच में चम्मच रख दीजिएगा, उससे ये होता है कि उबल के बाहर नहीं आता। अच्छा, अब क्या करना है, आपने इसको छोड़ देना, इलायची डाल दी, कंडेंस मिल्क डाल दिया, चीनी डाल दी, अब इसको स्लो फ्लेम पे पकता रहेगा। जब जैसे ही इसमें गाढ़ापन आ गया, थिकनेस आ गई, तो मैंने इसमें खोया डालना है और बादाम को बारीक चॉप करके डालना है, बाद में हम गार्निशिंग के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, और आखिर में इसमें जाएगा केवड़ा, ठीक है। तो फिलहाल इसको हम छोड़ देते हैं जब तक ये बहुत अच्छे से पकता है, फिर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद ये गाढ़ा भी हो जाएगा, फिर हम अपनी सेकेंड रेसिपी की तरफ भी चलेंगे। तो फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक जी। तो वेलकम बैक टू तड़का, ब्रेक से वापस आ गए हैं। इस वक्त बन रहा है कश्मीरी गजरेला। अच्छा जी, वैसे तो मैंने आपको बता दिया, दोबारा फिर एक दफ़ा इसका रिकैप कर लेते हैं। बड़ा आसान होता है ये बनाना, बहुत आसान काम है इसका, ठीक है। 1 लीटर दूध को पकने रखा, ठीक है, दूध में उबाल आया तो मैंने 1 कप इसके अंदर डाल दिए उबले हुए चावल, ठीक है, बॉयल किए हुए, थोड़े से मैश किए हुए, साथ में 1/2 किलो गाजर, ये डाल के इसको 1 से 2 बॉयल आने लगे। इसके अंदर मैंने चीनी डाल दी, चीनी के साथ मैंने इस पर कंडेंस मिल्क डाल दिया, इलायची पाउडर डाल दिया। अब हम इसको स्लो फ्लेम पे रखे रहेंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो उसके बाद मेरे पास है खोया, खोया डलेगा, साथ में बादाम को बारीक चॉप करके डालेंगे, इसके साथ इसमें डाल देंगे केवड़ा, लेकिन बिल्कुल एंड में। और जब हम डिश में निकालेंगे तो ऊपर से फ्लैश वाली भलाई जो है वो इसके ऊपर डाल देंगे, तो ज़बरदस्त सा जो हमारा कश्मीरी गजरेला है वो रेडी हो जाएगा। तो ये जब तक पक रहा है तो ऐसा करते हैं कि हम अपनी सेकेंड रेसिपी की तरफ आ रहे हैं, जो बना रहे हैं ज़बरदस्त से कश्मीरी कबाब करी, ठीक है। इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा, इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए आपने क्या करना है, 1/2 किलो कीमा ले लीजिएगा मशीन का बारीक पिसा हुआ, 1 अदद अंडा, 1 अदद प्याज, पिसी हुई लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, जायफल आप ले लीजिएगा 1/2 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, और हस्बे जरूरत ऑयल चाहिए इसको फ्राई करने के लिए। ग्रेवी के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए, ग्रेवी के लिए उबले हुए 1/2 किलो टमाटर, 1 अदद प्याज, कश्मीरी लाल मिर्च तकरीबन 4 अदद, नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, ऑयल 1/2 कप, और हस्बे ज़रूरत हमने हरा धनिया, हरी मिर्चें गार्निशिंग के लिए लेनी है, ठीक है। तो ये थे इंग्रेडिएंट्स जो हम बना रहे हैं कश्मीरी कबाब कड़ी, ठीक है। अच्छा, टमाटरों को मैंने 1/2 किलो टमाटरों को बॉयल कर लिया, अब इसको क्या करना है, थोड़े से ठंडे होंगे तो इसके ऊपर की जो स्किन है उसको रिमूव कर लेंगे और ब्लेंडर के अंदर जाकर इसके एक पेस्ट सा बना लेंगे। खैर, वो तो बाद का प्रोसीजर है, पहले हम क्या करते हैं कबाब्स के इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको बताए उसको हम प्रॉपर तरीके से रेडी कर लेते हैं, फिर हम करी की तरफ आ जाएंगे। तो ये मैं रख देती हूँ यहाँ पर। अच्छा, मैंने क्या करना है, 1 प्याज, ठीक है, ज़ाहिर है चॉपर में डालेंगे तो सारी चीज़ें पिस जाएंगी, वरना थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करता है। अगर आप वैसे चॉप करके डालेंगे तो वो फिर सही से कबाब बन नहीं पाते हैं, वो एक मोटे मोटे प्याज की वजह से वो टूटना शुरू हो जाते हैं, क्रैक पड़ जाते हैं। तो मैं इसको डालूंगी इसके अंदर, ठीक है, बिस्मिल्लाह। ये 1 अदद काफ़ी है प्याज, इसको बिल्कुल बारीक हमने पीस लेना, ये प्याज है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर ये कीमा,
आधा किलो मशीन का बारीक पिसा हुआ कीमा, पहले मैं इसको बारीक पीस लेती हूँ, फिर हम जो पाउडर फॉर्म में जो इसके अंदर मसाले डाले उसकी तरफ चलेंगे। ठीक है, मैं पहले इसको यहाँ रख लेती हूँ। साथ साथ में हमारा कश्मीरी गजरेला भी रेडी हो रहा है, पकड़ा जा रहा है हल्की आग पे और गाढ़ा भी हो जाएगा, इसलिए कि अगर एक ही रेसिपी को हम लेके बैठेंगे तो दूसरी जो रेसिपी है वो हमारी रेडी नहीं होगी। तो अब इसको चलाते हैं, इसको बारीक पीसना है। बिस्मिल्लाह, जी बारीक पीस के अब इसी के अंदर मसाले डालेंगे ताकि वो सारे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो स्पून में ले लेती हूँ, आप चाहें तो इसको बाहर निकाल कर भी डाल सकते हैं, लेकिन इसी के अंदर डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा जी, अब इसके अंदर जाएगी 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च। ठीक है, 1 और 2 चाय के चम्मच। इसके साथ इसके अंदर आप डाल दीजिएगा, ये है जायफल, तकरीबन आपने आधी चाय का चम्मच जायफल डाल देना। नमक आप ले लीजिएगा इसमें आधी चाय का चम्मच, ज़्यादा ना हो कम बेशक हो। ठीक है, नमक डाला, लाल मिर्च पाउडर डाले, जायफल डाला और इसके साथ पिसा हुआ गरम मसाला मुझे चाहिए 1 चाय का चम्मच, वो भी हम इसमें डाल देते हैं। साथ में आपने डाल देना है अदरक और लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 2 चाय के चम्मच। अंडा हम बाद में इसमें डालेंगे, जब हम इसको निकालेंगे तो अंडा बाद में डालेंगे। दोबारा से रिकैप करती हूँ, लाल मिर्च, नमक, अदरक लहसुन, जायफल, पिसा गरम मसाला। ठीक है, ये है कीमा है, प्याज है, ये चीज़ें हैं जिसको हम पीस रहे हैं। चीजें मिक्स होगी, 1 अदद अंडा जाएगा इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंडे को अलग से ही आपने निकालना है ताकि आपको पता चले सही है। बस सिर्फ ये मिक्सिंग के लिए ही चला जाएगा 1 अंडा। मिक्स हो गया सारा। ठीक है, ये हमारा कबाब का जो इंग्रेडिएंट्स है रेडी हो गए। बस अब हमने क्या करना है, इसको कबाब का शेप देंगे, मिक्स करके कबाब का शेप देंगे और इसको शैलो फ्राई करके हम रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसकी जो करी बनेगी, मसाला बनेगा, वो भी मैं आपको साथ साथ में बता देती हूँ। मेरे पास कश्मीरी मिर्चें भी हैं, पहले हम इसको यहाँ रखते हैं। बिस्मिल्लाह, छोटे छोटे से कबाब लंबाई में बनेंगे, ये देख लीजिएगा। अच्छा, थोड़ा सा आपको ये लिक्विड में लग रहा है, इस वजह से लग रहा है कि इसके अंदर हमने जो डाला है अंडे की वजह से। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो ये बहुत अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। और दूसरा ये कि अगर आपका इस तरह से बैटर थोड़ा सा लिक्विड में आपको लगे तो आधे घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा, थोड़ी देर के बाद देखिएगा बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो ये चीज़ें मैं यहाँ से हटा लूँ। ठीक है, बाकी के हमारे यहाँ पे हमें चाहिए है लाल मिर्च भी नहीं चाहिए, नमक तो चाहिए थोड़ा सा ग्रेवी के लिए, अदरक लहसुन ये हमारे पास है। अच्छा जी, अब ये क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। ये तो सिर्फ कबाब का हमारा सारी चीज़ें रेडी होगी। ड्यूरिंग ब्रेक में इसके छोटे छोटे से कबाब बनाऊंगी, लंबाई में जिस तरह सीख कबाब बनते हैं कबाब बना के रख लूँगी। अब इसकी ग्रेवी का मैं आपको बताती हूँ, ग्रेवी के लिए हमें क्या चाहिए। ग्रेवी के लिए मैं चीज़ें यहाँ पर रख लेती हूँ ताकि हम क्या करेंगे, ग्रेवी जो इसकी तैयार कर देंगे। मुझे चाहिए 1 अदद प्याज, ठीक है, यहाँ रखते हैं एक ही उसके अंदर, 1 अदद मुझे प्याज चाहिए। इसके साथ मुझे लाल वाली मिर्चें, टमाटर 1/2 किलो, ये छिले हुए टमाटर इसकी स्किन ऊपर से रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये स्किन उतारने आराम से उतर जाएगी, जब आप इसको बॉईल करते हैं तो आराम से इसकी स्किन ऊपर से उतर जाती है। टमाटर, साथ में ये छोटी सी प्याज, ठीक है। इसके बाद आपने ये लाल वाली मिर्चें, ये कश्मीरी लाल मिर्चें इसको कहा जाता है, ये 3 से आपने 4 ले लेनी है, ये देख लीजिएगा। ये जब आप प्याज के साथ पीसेंगे तो बड़े अच्छा सा इसका एक वो बन जाता है, ये देखें ये रेड कलर का आ जाएगा। ये ब्लेंडर में जाएगा, साथ में टमाटर जाएंगे, टमाटर भी मैं निकाल लेती हूँ और सारी चीज़ों को डालेंगे उसके अंदर ब्लेंडर के अंदर, तो इसका पेस्ट बन जाएगा, पूरा इसका पेस्ट हम तैयार करेंगे। ये चीज़ें हटा लेती हूँ। ठीक है, टमाटर को बस छील छील के मैं यहाँ रखती जाती हूँ ताकि हम ड्यूरिंग ब्रेक हम इसको थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको टमाटरों को छील कर यहाँ रखते हैं, कबाब्स का शेप देंगे और बाकी इसकी करी किस तरह से बनेगी, बाकी का प्रोसीजर क्या है, ये मैं आपको बताऊँगी ब्रेक के बाद। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
जी तो वेलकम बैक टू तड़का। ब्रेक से वापस आ गए हैं और ड्यूरिंग ब्रेक मैंने कुछ कबाब बना लिए थे, साथ में ऑयल भी गर्म करने रख दिया था, तो मैंने कहा साथ साथ में इसको फ्राई करते हैं। और ये देख लीजिएगा, सिंपल आपने हल्का सा हाथ पे पानी लगाना है और उसके बाद आपने इस तरह से कबाब का फेंक देना, बहुत जल्दी बन जाते हैं, फटाफट इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये देख लीजिएगा, इस तरह से हम इसको बना लेंगे। और इसके बाद इसको शैलो फ्राई करेंगे, फ्राई करके निकाल लेंगे। जो इसका ग्रेवी बनाने के लिए मैंने चीज़ें यहाँ रखी हैं उसका मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या क्या चीज़ें इसमें डालनी है। और ये बचे हुए ऑयल के अंदर हम क्या करेंगे, इसका मसाला तैयार कर देंगे। और बाद में हमने क्या करना है, इसको कबाब के ऊपर डालकर इसको 5 मिनट दम पे रखिएगा और एंड में आपने इसको सर्व कर लेना है, ठीक है। ये तो कबाब हमारे रेडी हो रहे जा रहे हैं, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त से कबाब बने हैं। चलें जी, ये जब तक तैयार हो रहे हैं हम इसको थोड़ा सा हैंड वॉश कर लेते हैं। और साथ साथ में कश्मीरी गजरेला भी तैयार हो रहा है। देखिए इसी तरह आप किचन में दो काम आराम से कर सकते हैं, एक ही काम के साथ आप खड़े हो जाएं तो फिर दूसरा आपका काम रह जाता है। ये देखिए इसमें भी थिकनेस आनी शुरू हो गई है, गाढ़ापन आना शुरू हो गया है, काफ़ी गाढ़ा हो गया है। बस अब इंशाल्लाह ताला दोनों चीज़ें हमारी रेसिपी जो है रेडी हो जाएंगी। कबाब को ज़रा सा मैं एक नज़र देख लूँ, ठीक है। ये देखिए ये इस तरह से आपने इसको फ्राई करना है। प्याज डाला था इसके अंदर, मैंने इसमें नमक डाला, एक अदद अंडा डाला, साथ में इसके अंदर डल गया था अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, पिसा गरम मसाला और साथ में इसके अंदर डाला था जायफल, ठीक है। तमाम चीज़ें डाली, पहले आपने प्याज के साथ इसको बारीक पीस लेना है, उसके बाद आपने क्या करना है इसके अंदर मसाले डालिएगा, थोड़ा सा चॉपर को चला दीजिएगा और बाद में आपने अंडा डालना और मिक्स करना है। इस तरह से कबाब जो है रेडी हो जाएंगे। तो ये है कबाब हमारे तैयार हो गए और साथ में हमने क्या करना है, इसकी जो मसाला बनाना है, करी बनाना है, उसका भी मैं आपको बता देती हूँ। ये बड़े जल्दी तैयार होते हैं, हल्के से अगर कच्चे भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि हमने वैसे भी इसको बाद में जब इसकी ग्रेवी बनेगी उसके अंदर भी हम पकाएंगे। ये देख लीजिएगा और कितनी जल्दी फटाफट झटपट बन जाते हैं, टाइम भी इतना नहीं लगता। ये देखिए ये इसमें डाल देते हैं बाकी के कबाब और इसी बचे हुए ऑयल के अंदर मैं इसकी पूरी ग्रेवी डाल दूँगी ताकि चीज़ भी आपकी वेस्ट ना जाए और काम भी आपका कंप्लीट हो जाए। अच्छा जी, ये कबाब रखते हैं यहाँ पर और जो अब इसकी हमने ग्रेवी तैयार करनी है उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है। ये मेरे पास है टमाटर तकरीबन आधा किलो उबले हुए, एक अदद प्याज, 4 अदद ये कश्मीरी मिर्चें, ठीक है। ये ब्लेंडर में जाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये हम इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी बेशक डाल दीजिएगा, ठीक है। अब इसके अंदर जाएगा 2 चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, सारी चीज़ें एक साथ डाल के आपने पीस लेनी है, ठीक है। अब ये इसमें 2 चाय के चम्मच जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1/2 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला, ठीक है, ठीक है, पिसा गरम मसाला। चलिए इसकी फ्लेम ऑफ कर देते हैं, ये तो रेडी हो चुका है। अब इसको हमने पीसना है, थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा वरना, ठीक है, थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ा सा चलेगी। ये हमारी ग्रेवी का मसाला जो है तैयार हो गया, कबाब इसमें से निकालेंगे, ये देखिए, ठीक है। और ये बचा हुआ जो ऑयल है इसको बिल्कुल भी नहीं आपने वेस्ट करना,
इसी के अंदर डाल देते हैं ये मसाला, ठीक है। मसाला डाल के इसको बड़े पैन में पकाएंगे और जब ये थोड़ा सा मसाला तैयार हो जाएगा इसके अंदर जाएंगे कबाब, ठीक है। जब तक क्या है कि इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करती हूँ, तो ले लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक टू तड़का। ब्रेक से वापस आ गए हैं और इस वक्त हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सा कबाब करी, कश्मीरी कबाब करी, ठीक है। कबाब्स आपके सामने सारे मैंने रेडी करके रख दिए हैं। अब जो इसकी मसाला हमने बनाया, टमाटर, इसके साथ कश्मीरी लाल मिर्च, साथ में इसमें नमक डाला है, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट है, पिसा हुआ धनिया है, और ये तमाम चीज़ें डालकर इसका पेस्ट बना लिया। अब मैं ऑयल गर्म करूँगी, बल्कि कर चुकी हूँ गर्म, अब इसके अंदर चला जाएगा ये मसाला, ठीक है। थोड़ा सा आपने ख्याल करना ही उड़ेगा। अच्छा जी, अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे, जब ये भून जाएगा तो फिर इसके अंदर जाएंगे कबाब। थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से इसका पानी को ड्राई करना है। ये पिसे हुए टमाटर थे, बॉयल किए हुए टमाटर आधा किलो, साथ में इसमें 2 चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 अदद कश्मीरी लाल मिर्च, आधी चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, ठीक है, और अदरक लहसुन भी। ये तमाम चीज़ें डाल के अब इसका इंतज़ार करते हैं जब तक ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए, तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे ये कबाब। तो ऐसा करते हैं, हम चलते हैं कश्मीरी गजरेले की तरफ, जो तकरीबन रेडी हो चुका है। ये देख लीजिएगा, बड़ा ज़बरदस्त सा गाढ़ा हो चुका है। अब इसके अंदर जाएगा खोया, थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए भी डालेंगे। 1 पाव के जितना इसके अंदर चला जाएगा ये खोया, इसको मैं क्रश करके डालूंगी। बड़ा ज़बरदस्त क्लासिक सा ये गजरेला बन रहा है, जो कश्मीरी बन रहा है। 1 खाने का चम्मच केवड़ा, ठीक है, केवड़ा, और 4 खाने के चम्मच इसमें चॉप किए हुए या पिसे हुए बादाम भी डाल दीजिएगा, जो मैंने पहले से डाल दिए हैं। अब ये पूरा रेडी हो चुका है, लेकिन पता है क्या, इसको सिर्फ जो बलाई डालते हैं ना, जब ठंडा हो जाता है फिर बलाई डालते हैं। अभी तो खैर बलाई इसके ऊपर मेल्ट हो जाएगी, लेकिन डालूंगी मैं ज़रूर। बस ये बलाई, उसके साथ खोया, और साथ में इसके ऊपर हम डाल देंगे बादाम। ये डाल के इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। चलें जी, ये इसको यहाँ रखते हैं, ये निकालते हैं। ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा गजरेला जो है हमारा रेडी हो चुका है। इंजॉय किए रहे, आप भी बनाएं घर में। मौसम ऐसा है कि इस मौसम में बहुत ही शौक से खाया जाता है। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको लिक्विड में नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद ये गाढ़ा हो जाएगा। और इलायची पाउडर डाली है, कंडेंस मिल्क डाला है, इसके साथ इसके अंदर मैंने जो डाला है वो दूध, चावल, गाजर, इलायची पाउडर, और साथ में इसके ऊपर डाल दिया है हमने अभी, अच्छा बादाम भी चॉप करके डाले। ये चले जाएंगे, इसके बाद ये मेरे पास खोया है, ये हम इसके ऊपर डालते हैं, थोड़े से चांदी के वर्क भी डाल देंगे। ये देखें कितना मज़ेदार सा लग रहा है, यम्मी यम्मी। अब ये ताज़ी भलाई, ठीक है, ये फ्रेश भलाई है, ये आपने इसके ऊपर डाल दी है, ठीक है। इससे तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो ये रेडी हो चुका है, ठीक है, इसको अब हमने सारी चीज़ें ऊपर डाल दी हैं, बाकी जो बचा हुआ है उसको भी हम इसी तरह से डिश में निकालेंगे। और ये देख लीजिएगा, ये इसका जो मसाला जो है ये भी तकरीबन तैयार हो चुका है। थोड़ा सा और इसको भूनेंगे ताकि वो टमाटरों का जो पानी होता है, कच्चापन होता है, वो ख़त्म हो जाए। तो अब इसके अंदर जाएंगे कबाब्स, थोड़े से कबाब्स इसके साथ पकेंगे, और उसके बाद इसके ऊपर हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल देंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ ये कबाब जो मेरे पास रखे हुए हैं, ताकि ये उछलना कम कर दे। इसका जो पानी है, साथ में इसके अंदर जो इसका थोड़ा सा ऑयल भी है। चलें जी, ये भी तकरीबन रेडी हो चुकी है, बस थोड़ी देर इसको दम पे रखते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका मसाला तैयार हो गया। बस थोड़ी देर ये दम पे रखेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे, तो ये ज़बरदस्त सी हमारी कश्मीरी कबाब करी जो है वो भी रेडी होती है। तो इसको मैं ढकती हूँ इसलिए कि वरना ये उछलना शुरू कर देता है, उड़ना शुरू हो जाता है। चलें जी, इसको कवर कर दिया, ये भी रेडी हो गया, हमारा गजरेला भी रेडी हो चुका कश्मीरी, और साथ में कबाब करी भी रेडी होगी। तो अब क्या है कि इसका मैं एक दफ़ा फिर दोबारा से आपको प्रॉपर तरीके से रिकैप करती हूँ, ताकि आपको समझ आए। इसमें भी आपको 2 रेसिपीज़ मिल गई, एक कबाब की रेसिपी मिल गई है, दूसरा इसकी करी की, कश्मीरी कबाब करी की रेसिपी। कबाब हमने बहुत सिंपल वे में बनाए थे, ब्लेंडर के अंदर, चॉपर के अंदर हमने कीमा डाला, प्याज डाला, और उसको बारीक पीस लिया। पीसने के बाद उसके अंदर लाल मिर्च, नमक,
पिसा धन सॉरी गरम मसाला और साथ में इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और एक अदद अंडा डाल दिया। अच्छी तरह से उसको आपने मिक्स करना है, लाल मिर्च पाउडर, पिसा गरम मसाला, ठीक है, ये सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसके कबाब बनाने और इसको शैलो फ्राई करके रखना है। इसकी जो ग्रेवी बनाई है, ग्रेवी के लिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से दोबारा फिर एक दफ़ा रिकैप कर लूँगी जब तक हम उसको डिश आउट करते हैं, इसको भी डिश आउट करते हैं। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कश्मीरी कबाब करी, अच्छा, कीमा आधा किलो, अंडा एक अदद, प्याज एक अदद, पिसी लाल मिर्च दो चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला एक चाय का चमचा, पिसी जायफल आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट दो चाय के चमचे, तेल हसबे जरूरत। करी के अज्जा, उबले टमाटर आधा किलो, प्याज एक अदद, कश्मीरी लाल मिर्च चार अदद, नमक एक चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट दो चाय के चमचे, पिसा धनिया एक चाय का चमचा, तेल आधा कप, हरा धनिया, हरी मिर्च गार्निश के लिए। तरकीब, चॉपर में आधा किलो कीमा और एक अदद प्याज डालकर बारीक पीस लें। अब इसमें एक अदद अंडा, एक अदद प्याज, दो चाय के चमचे पिसी लाल मिर्च, आधा चाय का चमचा नमक, एक चाय का चमचा पिसा गर्म मसाला, आधा चाय का चमचा पिसी जायफल और दो चाय के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट मिक्स करके लंबे कबाब बना लें। अब उन्हें हसबे जरूरत तेल के साथ फ्राई करके निकाल लें। करी बनाने के लिए ब्लेंडर में आधा किलो उबले टमाटर, एक अदद प्याज, चार अदद कश्मीरी लाल मिर्च, एक चाय का चमचा नमक, दो चाय के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट और एक चाय का चमचा पिसा धनिया डालकर पेस्ट बना लें। अब आधा कप तेल गर्म करके इसमें पिसा मसाला डालें और अच्छी तरह भून लें। इसमें 2 कप पानी शामिल करके 10 मिनट पकने दें। अब इसमें कबाब डालकर 5 मिनट पका लें। आखिर में हरा धनिया, हरी मिर्च से गार्निश करके सर्व करें। कश्मीरी गजरेला, अज्जा, कद्दूकश, गाजर आधा किलो, दूध 1 लीटर, कंडेंस्ड मिल्क 1 टिन, खोया 1 कप, ताज़ा दूध की बलाई 1 कप, उबले चावल 1 कप, बारीक कटे बादाम 50 ग्राम, चीनी आधा कप, केवड़ा 1 खाने का चमचा, इलायची 1/4 चाय का चमचा, पिसे बादाम 4 खाने के चमचे। तरकीब, पहले 1 लीटर दूध को पकने के लिए रख दें। जब उसमें उबाल आ जाए तो 1 कप उबले चावल और आधा किलो कद्दूकश गाजर डालकर हल्की आंच पर पकाएं। गाढ़ा होने पर इसमें आधा कप चीनी शामिल करके तेज आंच पर चीनी का पानी खुश कर लें। अब उसमें 1 टिन कंडेंस्ड मिल्क, 1 कप खोया, 4 खाने के चमचे पिसे बादाम, 1 खाने का चमचा केवड़ा और 1/4 चाय का चमचा इलायची शामिल करके मिक्स करें और चूल्हा बंद कर दें। आखिर में इसे डिश में निकालकर 1 कप ताज़ा दूध की बलाई और 50 ग्राम बारीक कटे बादाम छिड़के और ठंडा करके सर्व करें। जी तो वेलकम बैक टू तड़का। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज हमारी तैयार हो चुकी है। कश्मीरी गजरेला और कश्मीरी कबाब्स करी भी तैयार हो चुकी है। ज़बरदस्त सा कलर आप देख सकते हैं इसका। इसके अंदर जो मैंने लाल मिर्च थी, जो कश्मीरी लाल मिर्च थी, वो डालकर प्याज के साथ उसका जो पेस्ट बनाया तो उससे बड़ा खूबसूरत सा कलर आ गया और जायका भी बहुत अच्छा होगा। आप ट्राई कीजिएगा, आप देखिएगा कितने मज़े का। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूँ, मुझे जैसे काफ़ी जगहों पर जैसे कुहाट साइड पे, पेशावर साइड पे, वहाँ पर ये लाल मिर्चें मैंने सुना है कि कम ही मिलती हैं। तो अगर आपको ये नहीं मिलती तो आप टेंशन ना लीजिएगा, छोटी गोल मिर्च ले लीजिएगा। लेकिन ये कि वो ज़रा तेज़ होती है, इसकी तेज़ी कम होती है। तो ये बड़ी थी, हमने 4 ले ली, तो आप वो ले लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिलती हैं तो थोड़ा सा उसके लिए अगर प्रॉब्लम होगा तो ये हर जगह नहीं मिलती हैं। तो वरना आपके कराची में कोई आने जाने वाला है, किसी से भी मंगवाने, बहुत सस्ती मिलती हैं। यहाँ पे हमारे एम्प्रेस मार्केट में तो बहुत ही सस्ती मिलती हैं। और इसके साथ आपने देखा जो कश्मीरी गजरेला बनाया, बहुत ही मज़ेदार सा, हल्की आग पे इसको रख दिया पकने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कितनी आसान तरीके से, कितना सिंपल तरीका था। आपने बॉईल कर लेना है चावल को, दूध को पकने रख देना है, उसके अंदर चावल और गाजर दोनों डाल के उसको हल्की आग पे। 1 लीटर दूध था, ठीक है, 1 लीटर दूध के अंदर आधा किलो गाजर थी और साथ में इसके अंदर जो चावल थे वो हमने ले लिए थे तकरीबन 1 कप उबले हुए, 1 कप उबले हुए। थोड़ा सा पानी डाल के उसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा ताकि उसकी गुठलियाँ ना आए, फिर आपने दूध में डाल देना और साथ में अपने हल्की आग पे पकने दीजिएगा। थोड़ा सा तकरीबन आधा घंटा वो पकेंगे, फिर आपने इलायची पाउडर डाल देनी है, चीनी डाल देनी है, कंडेंस मिल्क डाल देना है। ये डालकर आपने स्लो फ्लेम पर उसको रखना है ताकि अच्छी तरीके से वो पक जाए। जब वो देखिएगा गाढ़ा हो गया बहुत सारा, फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर 4 खाने के चम्मच बादाम डाल दीजिएगा चॉप करके या पेस्ट करके। इसके साथ आपने केवड़ा डाल देना है 1 खाने का चम्मच और उसके बाद आपने खोया डाल देना है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद डिश में निकालिएगा, ऊपर चांदी के वर्क, बादाम पिस्ते और फ्रेश बलाई डाल दीजिएगा। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी, यकीनन आपने नोट कर लेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सर्दी को ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा मज़ेदार सा गजरेला बनाकर। और इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगी इसी तरह से मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ और आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ठीक है जी, इसी के साथ आपसे जाना चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।
तो खाने में है मजा। नारायण, अच्छा जी, ये अब आपने इसको इस तरह से करना है, ये अभी साबुत एक जगह जमा हुआ नहीं रहेगा, ये देख लीजिएगा, अब ये चला जाएगा इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बस इसको स्लो फ्लेम पे इतना पकाना है हमने कि ये बिल्कुल जिस तरह से गाढ़ा सा आपने देखा होगा कि हलवा या फिर खीर टाइप का बन जाता है, उस तरह से बन जाएगा। तो अब इसको छोड़ देते हैं हल्की आग पे पकता रहे, जब तक ये पकता रहेगा और गाढ़ा होगा, फिर मेरे पास है ये कंडेंस मिल्क है, एक पूरा टिन हमने कंडेंस मिल्क का रखा है, आधा कप चीनी रखी है, इसके साथ इलायची पाउडर है, बादाम है, खोया, तो खूब मतलब रिच वाला आप इसको कह सकते हैं, क्लासिक गजरेला भी कह सकते हैं, कश्मीरी गजरेला भी खा सकते हैं। आपको पता है कश्मीर साइड पर जो खाने होते हैं, आपको पता है उनमें ज़रा सा इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है, हर चीज़ में बादाम पिस्ते डल रहे हैं, खूब नट्स वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो बड़े रिच खाने होते हैं उनके। अच्छा जी, इन चीज़ों को तो फिलहाल मैं यहाँ पे रखती हूँ जब तक कि ये अच्छी तरह से इसमें थिकनेस ना आ जाए। बाकी इन्ग्रीडियंट्स मैं इसमें नहीं डालूँगी, चीनी, कंडेंस मिल्क, खोया, बादाम और ये, तो आधा किलो की जितनी गाजरें और एक कप उबले हुए चावल, ये चले जाते हैं यहाँ पर और वो चले जाते हैं पकने के लिए। ठीक है जी, अब आगे हम जो सेकंड रेसिपी की तरफ आएंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ, फिलहाल तो इसका थोड़ा सा इंतज़ार करती हूँ ताकि इसके अंदर बॉयल आ जाए, तो आपको प्रॉपर तरीके से इसका बता दूँगी किस तरह से हम बना रहे हैं कश्मीरी के जिला। अच्छा, इलायची को मैंने पीस के रखा है पाउडर फॉर्म में, इलायची की हुई ये हम डाल देंगे, आप क्वार्टर टी स्पून ले लीजिएगा, इसलिए कि ऑलरेडी हम इसमें डाल रहे हैं केवड़ा भी डाल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जब खुशबू होती है ना वो खाने भी नहीं अच्छे लगते हैं, तो इलायची हम आधी चाय का चम्मच डालेंगे ताकि इलायची का भी फ्लेवर आए और केवड़े का भी फ्लेवर आए। तो ये दोनों चीज़ें मेरे पास यहाँ रखी हुई हैं। अच्छा, केवड़ा जो इस्तेमाल करें वो लिक्विड वाला, पानी वाला है, तो वो एक खाने का चम्मच डलेगा। अगर आप वो एसेंस डाल लें तो फिर आप चंद कतरे डाल दीजिएगा, तो उसमें भी बड़ा तेज़ इसका स्ट्रॉन्ग सा एक फ्लेवर आ जाता है। अच्छा, ये देखिएगा, ये अब इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो गया है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी, ये मेरे पास है इलायची पाउडर, ठीक है, ये हम डाल देंगे। गाजर तो आपको पता है वैसे ही जलती ही तकरीबन वो हो ही जाती है, गल जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर ये थोड़ा सा ये अब उबाल इसमें आया, ये देखिए इस तरह से। अच्छा, मैंने जो दूध लिया है वो लिया है टेट्रा पैक वाला, पैकेट वाला, ठीक है। आपने जब जो फ्रेश मिल्क लेना है तो आप उसको 1.5 लीटर ले लीजिएगा, थोड़ा सा आपको पता है वो थोड़ा सा उसमें पतला होता है। अच्छा जी, अब चावल तो अक्सर ये होता है कि हम इस वजह से नहीं चीनी डालते कि वो जो चावल जो है वो क्या होता है कि फिर वो गलते नहीं है, तो जब मेरे पास चावल ऑलरेडी गले हुए हैं तो अब मैं इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी डाल दूंगी। ये जाएगी आधा कप की जितनी चीनी, ठीक है, इसके साथ एक टिन कंडेंस मिल्क का, फ्लेम मैंने ऑफ कर दी, अभी मैं दोबारा इसको चला दूंगी, ठीक है, कंडेंस मिल्क, चीनी, दोबारा से इसकी फ्लेम ऑन करेंगे, थोड़ा सा स्लो ही रहने थी, बीच में चम्मच रख दीजिएगा, उससे ये होता है कि उबल के बाहर नहीं आता। अच्छा, अब क्या करना है, आपने इसको छोड़ देना, इलायची डाल दी, कंडेंस मिल्क डाल दिया, चीनी डाल दी, अब इसको स्लो फ्लेम पे पकता रहेगा, जब जैसे ही इसमें गाढ़ापन आ गया, थिकनेस आ गई, तो मैंने इसमें खोया डालना है और बादाम को बारीक चॉप करके डालना है, बाद में हम गार्निशिंग के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और आखिर में इसमें जाएगा केवड़ा, ठीक है। तो फिलहाल इसको हम छोड़ देते हैं जब तक ये बहुत अच्छे से पकता है, फिर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद ये गाढ़ा भी हो जाएगा, फिर हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ भी चलेंगे, तो फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक जी। तो वेलकम बैक टू तड़का, ब्रेक से वापस आ गए हैं, इस वक्त बन रहा है कश्मीरी गजरेला। अच्छा जी, वैसे तो मैंने आपको बता दिया, दोबारा फिर एक दफ़ा इसका रिकैप कर लेते, बड़ा आसान होता है ये बनाना, बहुत आसान काम है इसका, ठीक है। 1 लीटर दूध को पकने रखा, ठीक है, दूध में उबाल आया तो मैंने 1 कप इसके अंदर डाल दिए उबले हुए चावल, ठीक है, बॉयल किए हुए, थोड़े से मैश किए हुए, साथ में 1/2 किलो गाजर, ये डाल के इसको 1 से 2 बॉयल आने लगे। इसके अंदर मैंने चीनी डाल दी, चीनी के साथ मैंने इस पर कंडेंस मिल्क डाल दिया, इलायची पाउडर डाल दिया। अब हम इसको स्लो फ्लेम पे रखे रहेंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो उसके बाद मेरे पास है खोया, खोया डलेगा, साथ में बादाम को बारीक चॉप करके डालेंगे, इसके साथ इसमें डाल देंगे केवड़ा, लेकिन बिल्कुल एंड में, और जब हम डिश में निकालेंगे तो ऊपर से फ्लैश वाली बलाई जो है वो इसके ऊपर डाल देंगे, तो ज़बरदस्त सा जो हमारा कश्मीरी गजरेला है वो रेडी हो जाएगा। तो ये जब तक पक रहा है तो ऐसा करते हैं कि हम अपनी सेकेंड रेसिपी की तरफ आ रहे हैं, जो बना रहे हैं ज़बरदस्त से कश्मीरी कबाब करी, ठीक है। इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा, इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए आपने क्या करना है, 1/2 किलो कीमा ले लीजिएगा मशीन का बारीक पिसा हुआ, 1 अदद अंडा, 1 अदद प्याज पिसी हुई लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, जायफल आप ले लीजिएगा 1/2 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच और हसबे ज़रूरत ऑयल चाहिए इसको फ्राई करने के लिए।
ग्रेवी के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। ग्रेवी के लिए उबले हुए आधा किलो टमाटर, एक अदद प्याज, कश्मीरी लाल मिर्च तकरीबन 4 अदद, नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, ऑयल आधा कप, और हसबे जरूरत हमने हरा धनिया हरी मिर्चें गार्निशिंग के लिए लेनी है। ठीक है, तो ये थे इंग्रेडिएंट जो हम बना रहे हैं कश्मीरी कबाब कड़ी। ठीक है, अच्छा टमाटरों को मैंने आधा किलो टमाटरों को बॉईल कर लिया। अब इसको क्या करना है, थोड़े से ठंडे होंगे तो इसके ऊपर की जो स्किन है उसको रिमूव कर लेंगे और ब्लेंडर के अंदर जाकर इसके एक पेस्ट सा बना लेंगे। खैर वो तो बाद का प्रोसीजर है, पहले हम क्या करते हैं कबाब्स के इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको बताए उसको हम प्रॉपर तरीके से रेडी कर लेते हैं, फिर हम करी की तरफ आ जाएंगे। तो ये मैं रख देती हूँ यहाँ पर। अच्छा मैंने क्या करना है, एक प्याज, ठीक है, ज़ाहिर है चॉपर में डालेंगे तो सारी चीज़ें पिस जाएंगी, वरना थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करता है। अगर आप वैसे चॉपर के डालेंगे तो वो फिर सही से कबाब बन नहीं पाते हैं, वो एक मोटे मोटे प्याज की वजह से वो टूटना शुरू हो जाते हैं, क्रैक पड़ जाते हैं। तो मैं इसको डालूंगी इसके अंदर, ठीक है, बिस्मिल्लाह। ये एक अदद काफ़ी है प्याज, इसको बिल्कुल बारीक हमने पीस लेना। ये प्याज है, ठीक है, इसके बाद इसके अंदर ये कीमा आधा किलो मशीन का बारीक पिसा हुआ कीमा, पहले मैं इसको बारीक पीस लेती हूँ, फिर हम जो पाउडर फॉर्म में जो इसके अंदर मसाले डालें उसकी तरफ चलेंगे। ठीक है, मैं पहले इसको यहाँ रख लेती हूँ। साथ साथ में हमारा कश्मीरी गजरेला भी रेडी हो रहा है, पकड़ा जा रहा है हल्की आग पे और गाढ़ा भी हो जाएगा, इसलिए कि अगर एक ही रेसिपी को हम लेके बैठेंगे तो दूसरी जो रेसिपी है वो हमारी रेडी नहीं होगी। तो अब इसको चलाते हैं, इसको बारीक पीसना है, बिस्मिल्लाह। जी बारीक पीस किया, अब इसी के अंदर मसाले डालेंगे ताकि वो सारे अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो स्पून में ले लेती हूँ, आप चाहें तो इसको बाहर निकाल कर भी डाल सकते हैं, लेकिन इसी के अंदर डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा जी, अब इसके अंदर जाएगी 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक है, 1 और 2 चाय के चम्मच। इसके साथ इसके अंदर आप डाल दीजिएगा, ये है जायफल, तकरीबन आपने आधी 1/2 चाय का चम्मच जायफल डाल देना, हाथ पे पानी लगाना है और उसके बाद आपने इस तरह से कबाब का फेंक देना। बहुत जल्दी बन जाते हैं, फटाफट, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये देख लीजिएगा। इस तरह से हम इसको बना लेंगे, और इसके बाद इसको शैलो फ्राई करेंगे, फ्राई करके निकाल लेंगे। जो इसका ग्रेवी बनाने के लिए मैंने चीज़ें यहाँ रखी हैं उसका मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या क्या चीज़ें इसमें डालनी है, और ये बचे हुए ऑयल के अंदर हम क्या करेंगे इसका मसाला तैयार कर देंगे, और बाद में हमने क्या करना है इसको कबाब के ऊपर डालकर इसको 5 मिनट दम पे रखेगा और एंड में आपने इसको सर्व कर लेना है। ठीक है, ये तो कबाब हमारे रेडी हो रहे जा रहे हैं, तो देखिए बहुत ज़बरदस्त से कबाब बने हैं। चलो जी, ये जब तक तैयार हो रहे हैं हम इसको थोड़ा सा हैंड वॉश कर लेते हैं, और साथ साथ में कश्मीरी गजरेला भी तैयार हो रहा है। देखिए इसी तरह आप किचन में 2 काम आराम से कर सकते हैं, एक ही काम के साथ आप खड़े हो जाएं तो फिर दूसरा आपका काम रह जाता है। ये देखिए इसमें भी थिकनेस आने शुरू हो गया, गाढ़ापन आना शुरू हो गया है, काफ़ी गाढ़ा हो जाए, बस अब इंशाल्लाह ताला दोनों चीज़ें हमारी रेसिपी जो है रेडी हो जाएंगी। कबाब को ज़रा सा मैं एक नज़र देख लूँ, ठीक है, ये देखिए ये इस तरह से आपने इसको फ्राई करना है। प्याज डाला था इसके अंदर, मैंने इसमें नमक डाला, 1 अदद अंडा डाला, साथ में इसके अंदर डल गया था अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, पिसा गरम मसाला, और साथ में इसके अंदर डाला था जायफल। ठीक है, तमाम चीज़ें डाली, पहले आपने प्याज के साथ इसको बारीक पीस लेना है, उसके बाद आपने क्या करना है इसके अंदर मसाले डालिएगा, थोड़ा सा चॉपर को चला दीजिएगा, और बाद में आपने अंडा डालना है और मिक्स करना है, इस तरह से कबाब जो है रेडी हो जाएंगे। तो ये है कबाब हमारे तैयार हो रहे हैं, और साथ में हमने क्या करना है इसकी जो मसाला बनाना है करी बनाना है उसका भी मैं आपको बता देती हूँ। ये बड़े जल्दी तैयार होते हैं, हल्के से अगर कच्चे भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि हमने वैसे भी इसको बाद में जब इसकी ग्रेवी बनेगी उसके अंदर भी हम पकाएंगे। ये देख लीजिएगा और कितनी जल्दी फटाफट झटपट बन जाते हैं, टाइम भी इतना नहीं लगता। ये देखिए ये इसमें डाल देते हैं बाकी के कबाब, और इसी बचे हुए ऑयल के अंदर मैं इसकी पूरी ग्रेवी डाल दूँगी, ताकि चीज़ भी आपकी वेस्ट ना जाए और काम भी आपका
कंप्लीट हो जाए। अच्छा जी, ये कबाब रखते हैं यहाँ पर, और जो अब इसकी हमने ग्रेवी तैयार करनी है उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। ठीक है, ये मेरे पास है टमाटर तकरीबन आधा किलो उबले हुए, एक अदद प्याज, चार अदद ये कश्मीरी मिर्चें। ठीक है, ये ब्लेंडर में जाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये हम इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी बेशक डाल दीजिएगा। ठीक है, अब इसके अंदर जाएगा दो चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, सारी चीज़ें एक साथ डाल के आपने पीस लेनी है। ठीक है, ठीक है, अब ये इसमें दो चाय के चम्मच जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधी चाय का चम्मच नमक, एक चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला। ठीक है, नमक आप ले लीजिएगा इसमें आधी चाय का चम्मच, ज़्यादा ना हो कम बेशक हो। ठीक है, नमक डाला, लाल मिर्च पाउडर डाले, जायफल डाला, और इसके साथ पिसा हुआ गरम मसाला मुझे चाहिए एक चाय का चम्मच, वो भी हम इसमें डाल देते हैं। साथ में आपने डाल देना है अदरक और लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा दो चाय के चम्मच। अंडा हम बाद में इसमें डालेंगे, जब हम इसको निकालेंगे तो अंडा बाद में डालेंगे। दोबारा से रिकैप करती हूँ, लाल मिर्च, नमक, अदरक लहसुन, जायफल, पिसा गरम मसाला। ठीक है, ये है कीमा है, प्याज है, ये चीज़ें हैं जिसको हम पीस रहे हैं। सब चीज़ें मिक्स होगी, एक अदद अंडा जाएगा इसके अंदर। अंडे को अलग से ही आपने निकालना है ताकि आपको पता चले सही है, बस सिर्फ ये मिक्सिंग के लिए चला जाएगा एक अंडा। मिक्स हो गया सारा। ठीक है, ये हमारा कबाब का जो इंग्रेडिएंट्स है रेडी हो गए। बस अब हमने क्या करना है, इसको कबाब का शेप देंगे, मिक्स करके कबाब का शेप देंगे और इसको शैलो फ्राई करके हम रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसकी जो करी बनेगी, मसाला बनेगा, वो भी मैं आपको साथ साथ में बता देती हूँ। मेरे पास कश्मीरी मिर्चें भी हैं, पहले हम इसको यहाँ रखते हैं। बिस्मिल्लाह, छोटे छोटे से कबाब लंबाई में बनेंगे, ये देख लीजिएगा। अच्छा, थोड़ा सा आपको ये लिक्विड में लग रहा है, इस वजह से लग रहा है कि इसके अंदर हमने जो डाला है अंडे की वजह से। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो ये बहुत अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। और दूसरा ये कि अगर आपका इस तरह से बैटर थोड़ा सा लिक्विड में आपको लगे तो आधे घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा, थोड़ी देर के बाद देखिएगा बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो ये चीज़ें मैं यहाँ से हटा लूँ। ठीक है, बाकी के हमारी यहाँ पे हमें चाहिए है, लाल मिर्च भी नहीं चाहिए, नमक तो चाहिए थोड़ा सा ग्रेवी के लिए, अदरक लहसुन ये हमारे पास है, अच्छा जी। अब ये क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ, ये तो सिर्फ कबाब का हमारा सारी चीज़ें रेडी होगी। ड्यूरिंग ब्रेक में इसके छोटे छोटे से कबाब बनाऊंगी लंबाई में, जिस तरह सीख कबाब बनते हैं कबाब बना के रख लूँगी। अब इसकी ग्रेवी का मैं आपको बताती हूँ, ग्रेवी के लिए हमें क्या चाहिए। ग्रेवी के लिए मैं चीज़ें यहाँ पर रख लेती हूँ ताकि हम क्या करेंगे, ग्रेवी जो इसकी तैयार कर देंगे। मुझे चाहिए एक अदद प्याज, ठीक है, यहाँ रखते हैं एक ही उसके अंदर, एक अदद मुझे प्याज चाहिए। इसके साथ मुझे लाल वाली मिर्चें, टमाटर आधा किलो, ये छिले हुए टमाटर इसकी स्किन ऊपर से रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये स्किन उतारने आराम से उतर जाएगी, जब आप इसको बॉईल करते हैं तो आराम से इसकी स्किन ऊपर से उतर जाती है। टमाटर साथ में ये छोटी सी प्याज, ठीक है, इसके बाद आपने ये लाल वाली मिर्चें, ये कश्मीरी लाल मिर्चें इसको कहा जाता है, ये तीन से आपने चार ले लेनी है, ये देख लीजिएगा। ये जब आप प्याज के साथ पीसेंगे तो बड़े अच्छा सा इसका एक वो बन जाता है, ये देखें ये रेड कलर का आ जाएगा। ये ब्लेंडर में जाएगा, साथ में टमाटर जाएंगे, टमाटर भी मैं निकाल लेती हूँ, और सारी चीज़ों को डालेंगे उसके अंदर ब्लेंडर के अंदर, तो इसका पेस्ट बन जाएगा, पूरा इसका पेस्ट हम तैयार करेंगे। ये चीज़ें हटा लेती हूँ। ठीक है, टमाटर को बस छील छील के मैं यहाँ रखती जाती हूँ ताकि हम ड्यूरिंग ब्रेक हम इसको थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको टमाटरों को छील कर यहाँ रखते हैं, कबाब्स का शेप देंगे, और बाकी इसकी करी किस तरह से बनेगी, बाकी का प्रोसीजर क्या है, ये मैं आपको बताऊँगी ब्रेक के बाद। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
जी तो वेलकम बैक टू तड़का। ब्रेक से वापस आ गए हैं और ड्यूरिंग ब्रेक मैंने कुछ कबाब बना लिए थे, साथ में ऑयल भी गर्म करने रख दिया था, तो मैंने कहा साथ साथ में इसको फ्राई करते हैं। और ये देख लीजिएगा सिंपल, आपने हल्का सा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा, अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने ज़ुमान में रखे, आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आपको पता है सर्दियों का भी आगाज़ हो चुका है, और जब सर्दी आती है तो मुख्तलिफ किस्म के मीठे आ जाते हैं, जो कहीं आप बाज़ारों में भी देख लेते हैं, घर में भी बन रहे होते हैं। असल में होता ही कि सर्दी का मौसम में ना हर खाना बड़ा मतलब शौक से खाया जाता है, और सबसे अच्छी बात है कि वो हज़म भी हो जाता है, और उससे अच्छी बात ये होती है कि हम लोग अपना जो वेट है वो पुट ऑन कर लेते हैं। ये थोड़ी सी ज़रा सी बुरी बात होती है, लेकिन अच्छी बात इसलिए कह रही हूँ कि जो लोग दुबले पतले हैं सूखे हैं से, जो लोग चाहते हैं कि हम लोग ज़रा सा अच्छा सा अपना वेट पुट ऑन कर लें और थोड़े से जो ड्रेसेस पहने वो अच्छे लगें, तो उनके लिए भी अच्छा है। तो आज क्या बन रहा है ये मैं आपको बताती हूँ। एक तो हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सा कश्मीरी गजरेला बन रहा है, ज़बरदस्त सा खूब नट्स के साथ, और इसके साथ हम बना रहे हैं कबाब करी, वो भी कश्मीरी स्टाइल में। तो ये दो रेसिपीज हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही मज़ेदार सी डिफरेंट सी रेसिपी है। और जैसे मैंने कहा था गजरेले का, गजरेला लाहौर साइड पर भी बहुत बनता है, वहाँ पर भी बहुत खाया जाता है, और ख़ास तौर पर वो क्या होता है कि ये ठंडा करके खूब खाया जाता है, और गाजर का हलवा ये होता है वो गर्म गर्म खाया जाता है। तो इसकी खूबी ये होती है कि ठंडा खाया जाता है, और जब ये सर्दी के मौसम में आता है ना तो उस टाइम पर ऊपर बलाई वगैरह डाल के हो क्या मज़ा आता है सुबह नाश्ते के टाइम पे। चले जी आप लोग भी ज़रूर बनाएगा, इंग्रेडिएंट्स इसके नोट कीजिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने किचन की तरफ, और ये जो आज के इंग्रेडिएंट्स हैं ये मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप भी इसको बनाएं। थोड़ा सा इसका टाइम ज़रूर लगता है इसको बनाने में, तो खैर कभी कभी मेहनत ज़रूर करनी चाहिए अपने खाने के लिए। तो हम जो बना रहे हैं ज़बरदस्त सा कश्मीरी गजरेला, इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा। आधा किलो हमें गाजर चाहिए कद्दूकश की हुई, और दूध चाहिए एक लीटर के जितना, कंडेंस मिल्क एक पूरा टिन चाहिए, खोया एक कप, और ताज़ी बलाई जो फ्रेश बलाई होती है वो एक कप चाहिए होती है, दूध की बलाई जो है। उबले हुए चावल एक कप चाहिए, बारीक कटे हुए बादाम चाहिए 50 ग्राम, चीनी आधा कप के जितनी, इसके साथ केवड़ा एक खाने का चम्मच, इलायची चौथाई चाय का चम्मच, और पिसी हुई बादाम चाहिए 4 खाने के चम्मच। तो ये है इंग्रेडिएंट जो हम बना रहे हैं कश्मीरी गजरेला। इसके अंदर आप मजीद वॉलनट डाल सकते हैं और जो पिस्ते डाल सकते हैं, जो जो आपको पसंद है वो चीज़ें डाल सकते हैं। खैर मैंने तो यहाँ पर इस वक्त ये जो दूध रख दिया है एक लीटर पकने के लिए, ठीक है, इसके अंदर क्या जाएगा, इसके अंदर जाएगी ये आधा किलो की जितनी गाजर, इसको मैंने कद्दूकश करके रखा हुआ है, ये हम आधा किलो इसमें गाजर डाल देंगे, ठीक है, आधा किलो गाजर, इसमें ज़रा चावल होते हैं, ठीक है, ये आधा किलो गाजर इसमें जाएगी, और इसको हम क्या करेंगे इस तरह से पकने के लिए रख देंगे। अच्छा ज़्यादा ये टाइम नहीं लगता, जल्दी ही बन जाता है, लेकिन ये है कि थोड़ा गाजर के हलवे में थोड़ी ज़्यादा मेहनत होती है, इसमें कम मेहनत होती है। तो इसके अंदर मैंने डाल दी है आधा किलो गाजर, ठीक है, और इसके अंदर जाएगा एक कप चावल। चावल को उबाल के हल्का सा आपने मैश कर लेना है, या बेशक ब्लेंडर में डाल दीजिएगा और चावल इसमें डाल दीजिएगा। ये दोनों चीज़ें डाल के हम इसको स्लो फ्लेम पे पकने देंगे, जब देखेंगे ये गाढ़ा हो गया, गाजर भी गल गई, तो फिर इसके अंदर चीनी जाएगी, बादाम जाएंगे, और साथ में इसके अंदर चला जाएगा। अच्छा इसको थोड़ा सा मैं पता क्या करूँगी, इसमें निकाल कर हल्का सा आप जिस ज़ाहिर चावल को आप जब रखेंगे तो वो जम जाते हैं, तो इसका तरीक़ेकार मैं आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना है, इसको इस तरह से दूध ले लीजिएगा या फिर आप पानी ले लीजिएगा, ठीक है, इसके अंदर इसको अच्छी तरह से घोल लीजिएगा ताकि ये जो गुठलियाँ हैं ना ये ख़त्म हो जाए। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी या फिर दूध ताकि गुठलियाँ